हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 3 विषय गणित का जो पेपर हुआ था उसका हल हम आपके लिए लेके आए हैं। आप अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए, किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, आप क्या करके आए हो। देखिए, पहला प्रश्न आया था, दी गई मोतीमाला के खाली बॉक्स में आने वाली संख्या चुनिए। यहाँ पर एक मोतीमाला दिखाई गई है, इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको। ये जो बॉक्स दिखा दे रहा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो देखना है। देखो, 30 तो यहाँ तक आ ही गए, ठीक है। तब यहाँ पर देखो, अभी 31, 32, 33, 34 और 35, 35 नंबर पर क्या अभी ये बॉक्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, अभी 35 होगा। 35, दिए गए चित्र में कुल कितने कबूतर हैं, इन कबूतरों को आप काउंट करना है, कितने भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने भी, 14, 14 कबूतर हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौक किस संख्या के लिए सही विकल्प चुनिए। अब चौक कितने हैं अभी, इसमें 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 10 से 4, 14, 14 हैं, 14 इस प्रकार लिखा जाता है। इसमें 4 इकाई है और 1 दहाई है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, 4 इकाई 1 दहाई। 4 नंबर प्रश्न देखिए भी, गरिमा ने मेले में से एक पतंग खरीदी और एक गेंद खरीदी, बताओ उसने कितने रुपए खर्च किए। भी पतंग ने कितने रुपए किए भी, 5 रुपए की पतंग है, और गेंद कितने रुपए की भी, 10 रुपए की है, तो 10 और 5 को जोड़ दो, कितने हो गए भी, 15, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा भी, 15 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, संख्या 48 का विस्तारित रूप क्या होगा, 48 का विस्तारित रूप क्या होगा भी, 40 प्लस में 8, 48, यही आपका विस्तारित रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 8 दहाई और 9 इकाई को व्यक्त के बराबर है, 8 दहाई 9 इकाई, तो ये क्या है भी, 89, 79 कितना हो गया भी, 79, 90, तो यहाँ पर गया भी 89 आपका आंसर सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, आपको यहीं पर आपका अंग्रेजी का और हिंदी का पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में आपको लिंक भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकान में कुछ वस्तुओं की कीमतें नीचे दिखाई गई हैं। अब एक ट्रॉफी लेते हो तो 2 रुपये की है, किताब लेते हो तो 25 रुपये की है, पेंसिल लेते हो 6 रुपये की है, और शार्पनर कितने रुपये का भी, 5 रुपये का है। राजू ने दुकानदार को कुछ नोट और सिक्के देकर एक किताब खरीदी और एक पेंसिल खरीदी, तो कौन सा विकल्प उनसे कुल खर्चे को दर्शाता है, तो पेंसिल कितने रुपए की भी, 6 रुपए की, किताब कितने की भी, 25 की, तो 25 प्लस में 6 कितने हो गए भी, 31 रुपए खर्च कर दिए, तो आपको ये बताना है कि 31 रुपए वाला ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पर एक 20 का नोट है, 5 5 2 30, 1 31, आपका सी ऑप्शन सही होता। अब देखिए भी, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दिए गए कैलेंडर को देखकर बताइए जून 2023 में कौन सा वार सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखो भी, ये सोमवार तो 4 बार ही आया है, यहाँ पर देखो भी गुरुवार है वो 5 बार आया है, और शुक्रवार भी कितने बार आया अभी, 5 बार, 2 बार हैं गुरुवार शुक्रवार, ये ऑप्शन सही हो, ये सर्वाधिक 5 5 बार आए हुए हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में गोलों की संख्याओं का योग 6 प्लस 3 के बराबर है, 6 और 3 कितने होते हैं भी, 9, ऐसा विकल्प चुनना है आपको जिसमें 9 गोले हैं, यहाँ पर 3 4 5 ही हैं, यहाँ पर 3 2 5 6 हैं, यहाँ पर 3 3 3 9 हैं, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से लुढ़कने वाली वस्तु, लुढ़कनी कौन सी लुढ़कती है भी, माचिस की डिब्बी, डस्टर, पुस्तक, गेंद लुढ़कती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अभी, गेंद हो जाएगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट पूछा इसने। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या रेखा दिए गए वे घटाओ संक्रिया को दर्शाती है, घटाओ को दर्शाती है, 21 में से 10 जाने में कितने बचते हैं अभी, 11, कितने बचते हैं अभी, 11, जो 11 को दर्शा रही है वो देखो भी, इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें भी सही नहीं दिखाया गया है,
अब यहां पर देखो अभी 21 में से 10 माइनस करने पर कितने बचते हैं, अभी 11। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये अभी इधर ये रो किए गई हुए तीर इधर दिशा में, तो 11 आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर 21 है, यानी कि आपका आंसर क्या है अभी 11, तो 11 पर जो तीर निशान है वही आपका आंसर सही होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए, 84 में से क्या संख्या घटाई जाए कि आपका उत्तर क्या आ जाए भी 12 आ जाए। तो क्या करो भी, यहाँ 84 में से आप 12 घटा दो, जितना भी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, एक ही बात है। 84 में से 12 माइनस करने पर कितना बचता है अभी 72, तो 72 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप 72 को घटा के देखो 12 ही बचेगा। इस प्रकार प्रश्न हो ना, तो इसमें से ये घटाओ ये उत्तर आ जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 13 देखो भी, सेंटेंस शब्द में घुमावदार रेखा के से बने कितने वर्ण है, वर्ण क्या होते हैं अभी, लेटर अक्षर। अब देखो भी यहां पर घुमावदार रेखा, जिस प्रकार एस है ना वो घुमावदार है, इसके बाद में क्या है भी सी है वो भी घुमावदार है, और सभी क्या है भी घुमावदार नहीं है। यहाँ पर ये दो ही अक्षर हैं, दो ही वर्ण हैं जो घुमावदार हैं। आपका उत्तर कितना हो जाएगा अभी 2 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और सभी में क्या है भी कोने बने हुए हैं, इनमें क्या है भी सभी में इसमें भी कोने कॉर्नर बने हुए ना, टी में भी है परंतु इनमें कोई कॉर्नर नहीं है, ये सारे क्या है भी राउंड फिगर में चलते हैं। निम्न विकल्पों में से खिसकने वाली वस्तु का चयन करें जो खिसकती है, इसकी कौन सी भी, ये तो लुढ़कती है, ये भी लुढ़कती है, ये भी लुढ़कती है, इसमें ये क्या है भी ईंट मान लो, ये मैच बॉक्स मान लो, ये खिसकता है, तो आपका उत्तर ये सही होगा। यदि आज रविवार है तो बताइए 8 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखो भी 7वें दिन फिर क्या होगा अभी रविवार होगा, 8वें दिन क्या होगा अभी सोमवार होगा, क्या होगा अभी सोमवार, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिखाया गया, इसमें दिए गए पैटर्न के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखो भी ये शून्य है, शून्य में यहाँ क्या भी जो तीर दिखाया गया है वो खड़ा है, फिर शून्य आगे चला गया तीर क्या अभी नीचे है, फिर शून्य फिर तीर खड़ा है, फिर तीर नीचा शून्य, फिर शून्य तीर ऊपर, अब क्या आएगा अभी तीर नीचा आएगा, फिर क्या आएगा अभी शून्य आएगा, इसमें पहले तीर आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई होगा, तो पहला ऑप्शन तो इसमें दोनों में सही है, फिर क्या है अभी पहले शून्य आए तीर आएगा, शून्य आएगा फिर तीर ऊपर आएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, तो आपका उत्तर क्या अभी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, दिए गए चित्र में किस आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है, इसमें क्या है अभी स्टार है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्वाधिक क्या है स्टार है, सर्किल इसमें 1, 2, 3, 4 ही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अभी स्टार, तारे सर्वाधिक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, बाजार से राम ने 20 रुपए की कॉफी और 30 रुपए का पेंसिल बॉक्स खरीदा, कॉपी खरीदी 20 रुपए की और 30 रुपए का खरीदा भी पेंसिल बॉक्स खरीदा, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, 30 और 20 कितने होते हैं अभी 50 रुपए खर्च कर दिए। दिए गए पैटर्न के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, 15, 18 खालिस्तान, 24, 23 खालिस्तान, 33। इसमें देखोगे 15 में से 3 जोड़ने पर 18 होते हैं, 18 में 3 जोड़े कितने होंगे अभी 21, इन दोनों ऑप्शन में से उत्तर सही होगा, 24, 23 में 3 और जोड़ दो 30, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3-3 की संख्या या अंक बढ़ रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, दिए गए पैटर्न के लिए आगे की दो संख्या लिखनी है आपको, पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको, 20 में से 3 माइनस हो गए 17, 17 में से 3 माइनस हो गए 14, 14 में से 3 माइनस हो गए 11, 11 में से 3 माइनस करो कितने हो गए अभी 8, और 8 में से 3 माइनस करोगे 5, आपका ये आंसर सही होगा। धन्यवाद विद्यार्थी।